अभी लगी भी नहीं है, पहले से चिल्लाना शुरू कर देती है। तो आज स्वाति का लास्ट बार हो रहा है सीबीसी चेक, इसमें पता लग जाएगा प्लेटलेट्स कितनी है। अगर आज सही हुई तो छुट्टी हो जाएगी, नहीं तो आज और एडमिट रहोगी, चिल्लाओ नहीं ज्यादा। हाँ अगर प्लेटलेट्स कम यार तुम ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देती ना क्या नहीं लगाया आज? कोई बात नहीं, क्या नहीं लगाया तू लगाते पानी गिरता नथनी मिल रही सारी अंदर, मुंह कैसा बना रखा देखो अगर अच्छे कर्म किए होते तो ये सब नहीं होता। ये रही थ्री यार तो आज स्वाति का डिस्चार्ज होएगा, बस ये लास्ट आज की डोज और रह गई है। तो कल क्यों हटाई थी वीडियो ये स्वाति मेरी तरफ देखो, दर्द नहीं होगा तुम्हें अच्छा एक बार देखो तो ला 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 देखो सोचो कुछ नहीं हो रहा, इधर देखो सोचो कुछ नहीं हो रहा, क्या करी बाहर में जाओ कैमरा चालू करती एक्टिंग करती है ना, बस थोड़ा सा हो गया होगा। थ्री ऐसे ना करो यार, बस बस स्वाति 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 लास्ट दिन है, लास्ट दिन है, लास्ट दिन है, लास्ट दिन है, यही सोच के खुश हो जाओ। लाल नहीं दर्द हो रहा है, दर्द दर्द में वो कुछ भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया हो गया। दर्द हुआ इंजेक्शन में भी दर्द हुआ, अब ये बोतलें भी ऐसी छोड़ेंगी सारी इंजेक्शन में। अपला देंगे डायरेक्ट जा रहा हूँ बाबू, जा रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ। तो स्वाति को बाबू की याद आ गई, आप डिस्चार्ज जाएगा टेंशन ना लो बेटा, ला रहा हूँ। तो गाइस चलते हैं घर पे, बाबू को लेके आते हैं और थोड़ा फ्रेश वगैरह होके आते हैं, नहा धोके आ रहा हूँ 15-20 मिनट का। तुम ज्यादा चिड़चिड़ी नहीं होगी हो? चलो तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी के पास है ना, नहा धो चुका है देखो, काजल लगवा लिया मोटा मोटा, अब चल रहे मम्मी पास, चले मम्मी पास दूध पीना है ना। अब जा रहे मम्मी है, हाँ उधर से लगा दिया, चल टाटा दादी टाटा। तो बाबू का दूध भी रख लिया है हमने, अब चलते हैं। इतना का है तुम मुंह ढक के चल रहे बेटा, काले हो जाओगे इसलिए है। चलो ये आ गया बेटा तुम्हारा, सही हो दे दो मम्मी पाँच, आ गए मम्मी पाँच, हाँ लेटो लेटो
दिखाओ अगर बुखार आया ना तो आज फिर रुकना पड़ेगा। बुखार है ना, बुखार है। देखो 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 क्या चमक रहा, देखो रो पड़ती है, बास में आ जाता है, बोल दिया था डॉक्टर ने, है डॉक्टर ने एक दिन और रुकना पड़ेगा, एक दिन और, बट वो भी को लगवानी पड़ेगी तो लगी रहेगी घर पे भी। यहाँ पे दर्द होगा तो डॉक्टर है, ठीक हो रहा है वहाँ पे, नहीं वहाँ पे थोड़ा वहाँ जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब ही घर है, तुम खाओगे ना तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, भी ऐसे ही खा सब बचपन ऐसे ही जीते। तो गाइस अभी डॉक्टर आए थे तो उन्होंने बोला कि एक दिन और रुकने के लिए, लेकिन स्वाति को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, 5 दिन बंद कमरे में, तो स्वाति ने बोला सर आज छुट्टी दे दो क्योंकि मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, फिर से घूमना फिरना चाहती हूँ, घूमना फिरना नहीं चाहती, नेचुरल हवा खाना चाहती हूँ, हाँ घर पे रहना चाहती हूँ। और तो डॉक्टर ने बोला ठीक है अगर आप जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो आज डिस्चार्ज करवा रहे हैं फाइनली, चले बस इंजेक्शन लगवाने आना पड़ेगा और बगल में ही घर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो जाऊँ डॉक्टर के पास, तो मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास अपना डिस्चार्ज करवाने के लिए, चल रहे तुम लेट हो बेटा लेट, चलो बोला है मैं डॉक्टर से ये आज हो जाएगा, चलो समझे तक सारा सामान, नाचो बेटा नाचो, चलो ओए चल घर तो, चलो आज ढोलक तो नहीं आई बैंड तो नहीं आया, आज डिस्चार्ज है फाइनली, क्या लेके आना है वीगो, ये नाम तुम छप जाएगा तुम्हारे दिमाग में वीगो, देखो अगर छुट्टी चाहिए तो लगवा लो, तो तब भी लगेगी तब भी लगेगी लगेगी, अभी देखना अरे हम कुछ नहीं कर रहे, परेशान मत हो आगे बोल रहे हैं, चश्मा लगा दे मुट्ठी बंद करो, तुझे थोड़ा टाइट बन रही है, बहुत टाइट है, जैसे मेरे बाल पकड़ती हो वैसे वैसे पकड़ो अरे भाई तुम तो बच्चों के लिए कर रहे हो मम्मी, अरे रुक जाओ भाई बिना आवाज के चिल्लाओ, दांत दिख रहे टूटे हुए, बस साथी साथी अरे तुम तो धोने कुछ किया फाइनली बड़ी मशक्कत के बाद लग चुका है ये, कल शाम को हट जाएगा ये, बस एक दिन झेलना है और डिस्चार्ज हो ही गया है, तो गाइस डिस्चार्ज हो गया है, ये लास्ट इंजेक्शन लग रहा है, उसके बाद ये सारी दवाइयाँ बच गई हैं, नहीं तो डॉक्टर ने एक दिन के लिए और बोला था, तो ये वापस करके आते हैं, चलो रजत पैसा कमा के आते हैं, पकड़ो इतना तो दिया भी नहीं जितना पैसा मिलने वाला है, ये घर खरीद लूंगा भाई ये पैसा मिलते ही, अपने ही पैसा दोबारा ले भैया ये वापिस कर बड़ी खुशी हो रही है मेरे को वापिस करते हैं पैसा मिलेगा, कितनी दवाई है, पैसे एक दिन और रुकना था तो मना कर दिया हमने कि वो नहीं रुक पाएंगे, 5 दिन हो गए ना तो उसको वो अजीब सा लग रहा है एक ही कमरे में, इसलिए पैसा मिलेगा दिखा देखते कितना मिलता है, कितना होगा भैया 1440 1400 रुपये वाह, तो ये सारे पैसे मिलने वाले हैं जो ये कीबोर्ड पे रखे हैं इतने पैसों की दवाइयां वापिस हुई हैं तो गाइस अब मेरे पास इतना पैसा आ गया मैं घर बनवाने वाला हूँ तो गाइस
इतने रुपए मिले 1440 बोले, मैंने आप हाथ पैर जोड़ के 10 फालतू मांग लिए। तो गाइस उन्होंने बोला 10 रुपए खुले, मैंने कहा नहीं है, तो उन्होंने 50 का दे दिया, 10 रुपए और बचाए मैंने, 1450 की दवाइयां वापस हुई। बस ये दोनों हो जाए, एक घंटे बाद हो जाएगा डिस्चार्ज। पता कितने रुपए मिले? 1450 रुपए। बेटा तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा इतने पैसों में, ठीक है? घोड़े बेच के सो रहा है। तो गाइज ये पर्चा आ चुका है, बिल आ चुका है, 11,250 रुपए लगे हैं। 5 दिन तुम यहाँ पे रही हो उसका 11,200, उसके बाद दवाइयाँ अलग आई हैं 5 दिन सुबह शाम, और जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो अपने अलग। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम ठीक हो ना? ये ठीक हो? डिस्काउंट मिल गया लेकिन। थैंक यू, चलो छुट्टी।